स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या गाड़ी के अंदर सोने से आपकी डेथ हो सकती है। दो तीन रिपोर्ट्स अभी मुंबई में आई है, तो बहुत सारी जगह में ऐसा होता होगा इंसिडेंट, लेकिन बहुत सारी जो बातें होती है वो मीडिया में नहीं आ पाती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर सोने से आपकी डेथ क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर सिंपल से आंसर देना चाहूं तो जवाब रहेगा यस, गाड़ी में सोने से आपकी डेथ हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि गाड़ी में एसी चालू करने से आपकी डेथ होती है, एसी नहीं चालू रहेगी तो डेथ नहीं होगी। तो क्या मैं घर पे जो एसी लगाता हूँ क्या वो एसी से भी मेरी डेथ हो सकती है? दरअसल इन सारे डेथ का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपकी डेथ हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कहाँ से है? आप गाड़ी चालू करते हो, गाड़ी का जो इंजन चलता है, जो ईंधन जलता है, वो गाड़ी जो है एक अलग से गैस बनाती, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली आपकी गाड़ी में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है जिसको प्यूरीफाई करती है, जिसे थोड़ा सा अच्छा बनाती है, लेकिन पूरी तरह से अच्छा नहीं बना पाती है। तो उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो आपके एग्जॉस्ट से गाड़ी के पीछे छोड़ दिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसे आप ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास में होता है। जैसे कि अगर आपने इंजन चालू किया, अगर इंजन के कैबिन और इंजन आपकी गाड़ी के कैबिन और इंजन में कुछ अगर लीकेज हुआ, तो इंजन के वहाँ से आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यहाँ तक आ सकता है, आपकी कैबिन के अंदर आ सकता है। और आपके गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होने के बावजूद आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि इसे आप ना देख सकते हो ना महसूस कर सकते हो। ये ऑडरलेस कलरलेस गैस होता है जो कि बनता है आपके इंजन में, जो ईंधन जलता है, जो फ्यूल जलता है, वो फ्यूल जलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपकी कैबिन में है और आपने एसी चालू कर लिया, तो आपके पास में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती रहती है, यानी कि आप ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंटेक करते हो, आपके अंदर सांस लेते हो तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड सेल में जा कर के पूरी बॉडी में घूमता है। ये पूरी बॉडी में घूमने के बाद में आपको थोड़ा कभी कभी महसूस हो सकता है कि आपको जैसे लगे आपको थोड़ा सर दुख रहा है, या आपको लगे कि आपको वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, या आपको कुछ इस तरह का अबनॉर्मल लगेगा। अगर आपको ऐसा कभी लगता है गाड़ी चलाते समय भी एसी चालू है और कांच आपके बंद हैं, तो आपको सबसे पहले गाड़ी साइड में खड़ी करनी है। गाड़ी खड़ी करने के बाद में आपको चेक करना है कि गाड़ी के बाहर रहने से आपका सर दुखना ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। अगर हो जाता है तो ये ज़रूर है कि आपकी गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, और ये आपके इंजन से कैबिन में लीक हो रहा है कहीं से, तो ऐसी गाड़ी चलाना डेंजरस है। इसके लिए आपको आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम चेक कराना होगा कि पूरा एग्जॉस्ट बराबर है, कहीं से लीक नहीं है, किसी अच्छे मैकेनिक से दिखा करके ये आपको प्रॉब्लम रेक्टिफाई करनी है। और कुछ गाड़ियों में तो ऐसा होता है कि अगर आप स्कैनिंग करोगे तो आपको स्कैनिंग में एक एरर आएगा P0420। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंजन से जो गैस निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बना रही है। तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन सेंसर होता है वो बदल दो, अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको कैटलिटिक कन्वर्टर जो कि थोड़ा महंगा आता है वो बदलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको आधे घंटे के अंदर मार सकती है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप आधे घंटे के अंदर आपकी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं, इसे सफोकेशन भी बोल सकते हो। तो ये आपको बहुत ही इसका बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी के अंदर सोते हो। तो गाड़ी के इंजन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है आपके घर भी पहुंच सकता है, यानी कि आपका जैसे रो हाउस या बंगला टाइप का घर है और आपकी गाड़ी जो खड़ी होती है, गाड़ी घर के अंदर खड़ी होती है और दरवाज़ा बंद होता है,
तो आपको चाहिए कि जब भी आप गाड़ी का इंजन चालू करें तो दरवाज़ा खोल दें, ताकि जो है गाड़ी के अंदर का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाए। अगर आपके घर तक कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है तो आपको आपके घर की एसी भी आपको मार सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ सकता है आपके गाड़ी के इंजन से। यानी बेडरूम आपका अगर गैरेज आपका जहाँ गाड़ी खड़ी करता है उसके नज़दीक में है, तो अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर करके एक डिवाइस आता है जो तकरीबन 500 से 1000 रुपये तक का मिलता है, आप वो लगा लो, आपके घर पे लगा लो, आपकी गाड़ी में लगा लो, और आप ये मॉनिटर करते रहो कि आपकी गाड़ी में आपके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ताकि आप समय रहते इसका इलाज कर सको कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो आप ये कार्बन मोनोऑक्साइड पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ गाड़ी के इंजन से नहीं बनता है, ये आपके घर में अगर आप गांव में रहते हो तो जनरेटर जो होता है जिससे बिजली बनाते हैं वो जनरेटर से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसीलिए लोग, आपने देखा होगा कि गाँव में जो आप जनरेटर रखते हो मोस्टली लोग घर के बाहर रखते हैं, घर के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर अंदर रखोगे तो आपके लिए पॉइजनिंग बन जाएगा। कि अगर आप ये घर पे अंदर रखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए अगर आपके पास जनरेटर है और आपके घर के अंदर रखा हुआ है तो उसको तुरंत बाहर कर दें, या किसी खुले जगह पे जनरेटर रखें, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी लाइफ को नुकसान न पहुंचा सके। अगर आपको इन सब के बावजूद आपको गाड़ी के अंदर सोने की ज़रूरत पड़ गई तो आप कैसे सोना है? आपको सबसे पहले तो गाड़ी का इंजन नहीं चालू करना है। इंजन चालू आपने किया तो आपको ऐसा हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गाड़ी के अंदर बन रहा हो, कैबिन के अंदर पहुंच रहा हो। अगर कैबिन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पहुंच रहा है तो ये डेंजरस नहीं है, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि गाड़ी के अंदर है भी कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर होता है, वो अगर आप लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है। दूसरी बात, आपको गाड़ी में कभी भी सोने की ज़रूरत पड़े तो एसी इंजन सब बंद करके सोना है, कांच को रोल डाउन करके, जो आपका जो शीशा होता है वो नीचे करके सोना है। अगर कुछ सिक्योरिटी है, कुछ आपको चोरी होने का डर है, आपको कुछ सामान चोरी हो जाएगा सोते समय, तो आपको एसी चालू करके आपका जो शीशा होता है थोड़ा सा रोल डाउन कर लो, ताकि जो फ्रेश हवा है, ऑक्सीजन है, वो थोड़ा सा मिलता रहे। लेकिन कम्प्लीटली सेफ नहीं है, फिर भी रिस्क है, लेकिन जब काम चलाना है, कोई और रास्ता नहीं हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो कंटेंट मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और ये वीडियो आपको उन तक ज़रूर पहुँचाना है जो गाड़ी चलाते हों, या गाड़ी में रहते हों, या बहुत लॉन्ग ड्राइव पर जाते हों, उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, तो ये आप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो YouTube पे शेयर कर सकते हो, YouTube का लिंक आप अपने WhatsApp पे फॉरवर्ड कर सकते हो, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ और आप तक ये वीडियोस हर हफ्ते पहुँचाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नया वीडियो में, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7021017710, स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा होगा, उस पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी मुझसे जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जय हिंद।